लॉन्ग टाइम बाद, मतलब मैंने ब्लॉग शूट कर रही हूँ आज बहुत टाइम बाद, तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग आज का पसंद आएगा। और अभी मैं इसको छोड़ने के लिए आई हूँ स्कूल बस तक, अभी तो दूसरे स्कूल की बस आई है, स्कूल की बस अभी नहीं आ रही है और आ जाएगी, उसके बाद जाऊँगी। फ्रेंड्स, आशी स्कूल जा चुकी है, कमला दीदी भी अपना काम करके जा चुकी है, मेरा सारा काम पड़ा हुआ है अभी, जो मुझे करना पड़ता है वो काम अभी सब बचा हुआ है, अब मैं वो काम करूंगी जो बचा हुआ है। और वैसे तो पहले सबसे पहले मैं दूध गर्म कर रही हूँ, देखिए हो रहा है, अभी टाइम लगेगा, ये टाइम लगता है। और दूध वाला ना सबसे बेकार लगता है मेरे को, और मुझे दूध वाला ना इसलिए बेकार लगता है दूध की बर्बादी की वजह से नहीं, वो जो साफ करना पड़ता है, ढेर सारी जो गंदगी फैल जाती है दूध वाला से, वो सबसे ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए मैं खड़े होके ही गर्म कर ले रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे सब्जी लेने भी जाना है आज, और फिर उसके बाद ये फैला हुआ किचन, ये देखिए सब ऐसे ही फैला है अभी। आजकल ये लोग दूध नहीं पीना पसंद कर रहे हैं, सब दूध बच जा रहा है, देखो डेली बच जा रहा है दूध, दूध इतना बच गया है, मुझे तो लग रहा है दूध बंद ही करना पड़ेगा। अभी मैंने घर भी ठीक नहीं किया, ये बर्तन यहाँ पड़े हैं, किचन का सारा सामान ऐसे ही पड़ा है, करूंगी सही, पहले सब्जी ले आती हूँ, पहले बाहर का काम करना ठीक रहेगा, फिर धूप हो जाएगी इसलिए सब्जी पहले लाऊंगी मैं। और यहाँ सब अभी ऐसे ही पड़ा है, रूम मेरा अभी सही नहीं किया है अभी। मेरे पास आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट एंड स्पेशल होने वाला है, बिकॉज बहुत लॉन्ग टाइम से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है, तो सारे कमरे अभी अव्यवस्थित ही पड़े हैं, ये देखिए सारे कमरों की हालत अभी ख़राब हो रखी है, अभी मैं सही करूँगी बारी बारी सारे कमरों को। और मुझे सबसे बेकार आदत आशी की ये लगती है, मतलब आपके बच्चे भी क्या यही हरकतें करते हैं, ये एक बेड इसने पूरा रोज का इस तरह से फैलाने का, मैं रोज इसे समझाती हूँ, ऐसे बच्चों को कोई असर नहीं होता। ये देखो गाइस नया पर्स आशी का कैसा है, दो पर्स मिले हैं इसे, एक ये चंदू दादा ने और एक ताऊजी ताई जी ने दिलाया है, दूसरा पर्स कहाँ गया पता नहीं, वो भी यहीं कहीं पड़ा होगा, कोई भी संभालना नहीं आता इसको, चार्ज बनाया था इसने पर्स, और ये सारा अव्यवस्थित फैला रखा है, मैं कितनी बार सही करूँ, मैं तो परेशान हो गई उस लड़की से। किसी बच्चे को रूम दिया जाता है वो कितना अच्छा और मेंटेन करके रखता है, और उसने रोज मेरे, मतलब इन्हें तो घर का कबाड़ निकाल दिया है अभी और आशी ने मिलकर, उसने अपना रूम सही नहीं करना हुआ और इसने अपना रूम सही नहीं करना हुआ, सब मुझसे उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं कि मैं ही सही करके दूंगी, रोज रोज सही करके दूंगी, और रोज रोज ये लोग खराब करेंगे, सुधर नहीं रहे हैं बिल्कुल भी इतना करने के बाद भी। तो गाइस अभी मैं जाती हूँ, दूध भी हो गया होगा तो उसके बाद सब्जी लेने जाती हूँ, वरना दूध आ जाएगा उबाल। Few inches later. तो फ्रेंड्स मैं आपको लेकर जा रही हूँ आज एक सब्जी की शॉप पर, अपने पास के घर के पास की, वहीं से मैं नॉर्मली सब्जियाँ लेती हूँ, तो आज मैं सब्जी लेने के लिए जा रही हूँ, और वीक में एक बार तो इतनी सब्जी आ ही जाती है, पिछली बार भी मैं अकेले ही लाई थी सब्जी, और आज भी मुझे अकेले ही लेने आना पड़ रहा है सब्जी, तो आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या क्या सब्जियाँ लेती हूँ। वैसे तो यहाँ फ्रेश आती है सब्जी रोज डेली, देखिए फ्रेंड्स आज तो नारियल ताजी अभी बचे ही हुए हैं, देखो तो बड़ा सा और अच्छा सा देना आज नारियल, हैं अभी बिके नहीं है क्योंकि ना इसलिए, और अनार भी कैसे दिए अनार 120 रुपए किलो अनार, लाल होगा ना अंदर से, तरबूज 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 नहीं, तरबूज नहीं, मुझे अभी तरबूज ही लेना, ये देखिए किसकी किसकी, हाँ सच में अच्छे लग रहे हैं, वैसे तो आपकी सब्जियां ताजी होती है तो अच्छी ही लगती हैं, ये सुबह सुबह लाइन लग जाती है यहाँ सब्जी की, तो मैं पहले सब्जियां सिलेक्ट कर लेती हूँ फिर दिखाऊंगी आपको आगे का। Few inches later. तो फ्रेंड्स मैं सब्जी लेकर आ गई हूँ, और उसके बाद मैं दही लेने चली गई, मैंने कहा बाहर का काम पहले कर लेती हूँ उसके बाद और काम करूँगी, अभी अब इसके बाद घर से ही करूँगी, फिर आपको सब्जियाँ दिखाऊंगी, और सबसे पहले पीऊँगी नारियल पानी। पहले बाद में पढ़ लेना, देख जो है वो खाना ही पड़ेगा, रोज रोज तो नहीं मैं बना सकती, रोज रोज मैं कुछ अच्छा नहीं बना सकती, जो है वही खाना पड़ेगा बस, मुझे कुछ नहीं पता, आ जा। लेट है
फ्रेंड्स, इवनिंग टाइम है और मैं जुम्मा क्लास आ चुकी हूँ। देखिए और सभी लोग आई चुके हैं, लगभग मैम नहीं आई है। देखिए ये मैम कर रही है एक्सरसाइज, ये मैम कर रही है एक्सरसाइज। लगता है आप इनको देख के फिटनेस, देखिए इनको फिटनेस के लिए बहुत अच्छी बात है कि प्रेरणा है कि इस एज में 53 की एज में आप यहाँ आए, बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छा भी करती है मैम, मतलब इतनी बढ़िया एक्सरसाइज करती है। और ये मैम भी आई हुई, और ये देखो मैम अपनी एज के साथ बता रही है कि मैं आ रही हूँ और मैं इतनी ज़्यादा। तो ऐसा है कि इसमें ये नहीं है कि एक्सरसाइज के लिए एज में चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैम तो सुनो, भी 2 महीने में वेट कम कर दो, मतलब बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं सोचे कि हम इस एज में जाके क्या करेंगे। मैंने बहुत सी लेडीज देखी हैं, वो सोचती हैं कि हमारी तो एज हो गई है, हम घर में बैठेंगे और भगवान के भजन करेंगे, वही सब काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत से लोग आते हैं जिन्हें अच्छा लग रहा है आकर। आपको कैसा लग रहा है मैम यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। वेट कम हुआ कुछ? पता नहीं, आप लोग बताएंगे। वेट अरे आपको तो मशीन बताएगी, मैं तो मुझे तो लग रहा है यहाँ है अंदर। और ये मैम से मिलिए, ये मैम को देखिए, ये मैम बताएंगी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, यहाँ आके तो इतनी खुशी मिल रही है। और ज्यादा की इस एज में ज्यादा खुशी की जरूरत वैसे इस एज में होती है, कम एज में तो इंसान खुश हो लेता है। और इस एज में उनको एक अच्छा सहारा मिलता है, जिम आ रही है और जुम्बा हम लोग भी जैसा ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि एज तो ज्यादा बेमेहता कर रहा है। मैं इन लोगों को मैम लोगों को देखती हूँ, बहुत अच्छा जुम्बा कर रहे हैं यहाँ पर और एनर्जी के साथ, बहुत एनर्जी दार की कोशिश करते हो, अच्छा करते हो। आपकी एज क्या होगी मैम? की एज सब कम सेम एम एज है उनकी, इनकी उनकी। तो देखिए इस एज में लोग आ रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत खुशी है और साथ मिल रहा है, खुश रहने लगे हैं पहले से ज़्यादा। और एनर्जी भी आ रही होगी आपको, पहले बीमार भी लोग होते हैं, बीमारियाँ भी जाती हैं यहाँ आगे, क्योंकि मुझे भी लगता है कि यहाँ आगे हम लोग फिट फील करते हैं और जो हमारे अंदर की बीमारियाँ होती हैं। बस एक साथ संगठन एक अलग ही चीज़ होता है ना, चाहे हम कितने भी खुश हैं ना, लेकिन देखो साथ में कितने कोई भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, यहाँ मुझे भी ऐसा, इसीलिए मुझे करना है एंड टू, लेकिन मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर, अपना तो लगता है। हाँ सब एक साथ करें तो शर्म नहीं है, अब हमें एक में करो सब देखेंगे। जरूर तो होता है, नहीं है नहीं हो पाता, मेरे से भी हमें नहीं हो पाता, मन भी नहीं लगता है करना करने में। तो इसलिए मैंने आपको आज मैम लोग से मिलाया। अगर आप लोग भी देखिए घर में अकेला फील करते हैं और तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके आसपास की जुम्बा क्लास या जिम ज्वाइन करिए, कहीं भी ज्वाइन करिए आप। ये नहीं है कि यहाँ तो आप हर एक के लिए पास नहीं हो सकता है, तो आप लोग को जहाँ पास पड़े आप वहाँ अपने पास जाके करिए जुम्बा जिम जो हो, उससे आपको एनर्जी और फिटनेस आती है। और ये हमारे साथी हैं, ये लोग तो ये साथी, ये जो साथी हैं सासू से हम लोग आए हैं, ये हमसे दिल्ली के ब्यूटी यूके क्वीन काव्या, बढ़िया सही नाम, ये हमेशा गलत नाम लेने के लिए मिस हॉट और ये रीता मैम, ये रीता है जिम जिम, देखिए सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड है, ये सबसे ज़्यादा पहले आ गए थे इसे, ये तो जुम्बा ज़्यादा था, अब यहाँ जिम भी हो गया है। ये देखिए ये वेट लिफ्टिंग वाला है, ये सारा एक्सरसाइज भी है, मुझे मशीन्स के नेम नहीं पता है, क्योंकि पता है कि इन सब में वेट लिफ्ट होता है कभी पैर से कभी वैसे। और ये भी वेट लिफ्टिंग वाली है, और ये भी देखिए इससे बॉक्सिंग करते हैं, मैंने देखा है। इनका वेट इतना, अरे बाप रे ये भी ज्यादा होता है, देखो इतना वेट उठा ले रही है, ये देख रहे हो, मैं 2 पॉइंट वाला उठाती हूँ गाइस, देखो ये वाला मैं उठा लेती हूँ नॉर्मली। ये इस जिम की सबसे छोटी बच्ची है, जुम्मा की सबसे छोटी बच्ची है, इसका नाम कर चुकी है और थोड़ी सी बात, तो अभी तो मेरे को 15 मिनट्स
ग्रीन टी वगैरह बनाऊंगी। और कल आधी आई थी यहाँ तो हमारे गमले टूटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब एक कॉर्नर पे इतने गमले बचे हैं, बाकी सब टूट गए। पानी पी लेती हूँ पहले आके, फिर ग्रीन टी बनाऊंगी, आशी के लिए दूध बनाऊंगी। ये देखो पेंटिंग खाने का सुंदर सी लगती है, पेंटिंग करते हैं तो हम लोग, अब है ना, हमने खुद से बनाया इतना सुंदर पेंटिंग। पागल है यार तू, डरा दिया, ऐसे तो हार्ट अटैक आ जाएगा किसी दिन, ऐसे हरकतें करेगी तो गलत बात है। ये सब ये सब हरकतें भी करने लगी तू तो। ये देखो ऐसी यही टी शर्ट रोज पहनती है, आप देख रहे भाग गई। तो गाइस इतने कपड़े होने के बाद भी अगर कोई इंसान एक ही टी शर्ट रोज रोज पहने तो आप क्या कहेंगे। और इसका कबाड़ फैला के बैठी है, इससे कहूंगी भगवान के लिए कमाल संभाल दे, अपनी मम्मी को इतना परेशान ना किया करे। और ये सारा आज आपको अगर तू यहाँ मेरे कमरे में एंट्री नहीं मिलेगी, अगर तुझे ये सब सामान नहीं संभाला, इसको गुड मिला है, मैथ में किसी को नहीं मिलता। देखो आशी को गुड मिला है तो आशी हैप्पी है। आपको भी मैथ में और ये गुड बाद में रद्दी के भाव भेज दिए जाते हैं, सिर्फ वैल्यू ये गुड की तभी तक है जब तक अभी मतलब फिलहाल। तो इसकी राइटिंग बहुत प्यारी और सुंदर है, ये देखो बिल्कुल अक्षर ऐसे चमकते हैं ना इसकी राइटिंग के, आप देख रहे हैं। ये पेंसिल से वो तो टेबल बनाई लेकिन पेंसिल, लेकिन बहुत सुंदर काम किया है जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं दिखाती हूँ अच्छे से, ये वाला सेक्शन पेज बनाया है इसने इतना प्यारा सा, ये बहुत प्यारा काम करती है ऐसे, सच में सभी लोग इसके काम की बहुत तारीफ करते हैं कि ये बहुत अच्छा वर्क करती है। देखिए इसकी, ये देखिए हिंदी का काम, देखिए मोती जैसे अक्षर चमक रहे हैं इसकी राइटिंग के। तो छोटी प्लीज इतना कर देना, ये सब तो संभाल देना सोते समय, मुझे पसंद नहीं आ रहा है ऐसा घर, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है। पहले आप पहले खाना बना दो। अभी खाना कहाँ, अभी तो मैं जुम्बा से आई हूँ, अभी मैं दूध बनाऊंगी, मैं 11 बजे तक पढ़ूं दूध। तो चलते हैं गाइस हम लोग किचन की ओर, चाय पानी एंड ऑल व्यवस्था करते हैं। अभी देखते हैं, ये ग्रीन सब्जी भी लाई थी मैं आज उगल, लेकिन यार ले तो आती हूँ लेकिन ये ग्रीन सब्जी की सफाई एंड टफ पड़ता है सब कुछ मेरे को बहुत। देखिए ग्रीन सब्जी है उगल उगल, अब इसमें बीच में कूड़ा कबाड़ जाने क्या क्या होगा, इसको साफ करो तब जाके बनाओ। तो मैं अभी तो नहीं बनाऊंगी, सुबह के लिए सोचूंगी इसका, इस मैटर को सुबह सॉल्व करेंगे, तब तक मैं कहीं रख दूंगी इसको। फ्रेंड्स अगर आपने हमारा वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर।